कोई शख्स अपनी बेटी को तन्हा कॉलेज न भेजे, हराम है हराम। और मैं रमज़ान की इस रात में ये बद्दुआ करता हूँ कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को कोचिंग सेंटर या कॉलेज अकेले भेजते हैं, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह बच्चियों से पहले उन वालिदैन के ईमान को छीन लीजिए। जहन्नम से आज़ादी के इस अशरे में अल्लाह उनके लिए जहन्नम लिख दीजिए। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, आपसे बढ़कर इस आसमान के नीचे कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो आप कहते हैं, नहीं बेटा जाओ जाओ जाओ, बेटे ने बुरका पहन लिया, हिजाब लगा लिया, कॉलेज जाओ, मेरे पास क्या फुर्सत है मैं पहुंचाने जाऊं। न कॉलेज वो अकेली जाए, न वो कॉलेज से अकेली आए, और आपका फ़र्ज है कि आप हर कॉलेज में अगर मजबूरन बच्चियों को भेज रहे हैं तो आप जाइए कॉलेज की प्रिंसिपल से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, बहुत एहतराम से बात कीजिए, और उनसे कहिए कि मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कंसिडर माई रिक्वेस्ट। हालात ख़राब हैं इसलिए आप ज़रा सा, मैं कभी कभी पूछता रहूँगा कि मेरी बेटी ने पूरे 6 पीरियड अटेंड किए कि नहीं किए, वो कॉलेज में दिन भर रही या कॉलेज में आने के बाद फिर चुपके से कहीं और चली गई। आप अगर बाप हैं, आप अगर मुसलमान हैं, बल्कि आप अगर शरीफ इंसान हैं और हलाल बाप के नुतफे से पैदा हुए हैं, इससे ज़्यादा मैं और क्या सख्त बात कह सकता हूँ, तो हराम है कि आप अपने बच्चियों की तरफ से